हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 गंगे। जय जय गंगे, जय 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 गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 गंगा मैया। युवराकी प्रणाम पिताश्री। सुखी भव। प्रणाम माताश्री। सदा विजयी भव। युद्ध हुआ पुत्री? जी पिताश्री। कौन शत्रु हमारी धवलपुरी पर आक्रमण करने निकला था? अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश? युद्ध का परिणाम? परिणाम वही जो आज तक हर युद्ध के पश्चात हुआ है माताश्री। आपका आशीर्वाद सदा विजय भव, व्यर्थ नहीं जाता। यदि विजय तुम्हारी हुई है पुत्री, तो तुम्हारे मुखमंडल पर विजय की चमक क्यों नहीं? तुम तो जीत कर भी हारी हुई लग रही हो। युवरागी अयोध्या नरेश नारी पर शस्त्र नहीं उठाते। शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि अर्थात शत्रु नहीं, नारी तो मित्र होती है। मित्र क्यों? क्यों मुझे अयोध्या नरेश की याद आ रही है? प्रेम रोग लग जाए प्रेमियों को जैसे, प्रेमियों के मन को संभाले कोई कैसे। प्रेमी की छवि जब नैनों में समाए, प्रेम अगन फिर बुझने न पाए। वीर भी है कितना, दयालु भी कितना, अयोध्या नरेश मुझे लगे अब अपना। प्रेम के ये धागे कैसे बंधने लगे, प्रेम के संधि से जैसे मिलने लगे। मैं राजकुमारी केशिनी हूँ राजा सगर, आप रुक क्यों गए? ये तुम्हें क्या हो गया है सगर? बार बार केशिनी की याद क्यों आ रही है?
कहीं मुझे केशनी से प्रेम तो नहीं हो गया? नारी है फिर भी कितनी लगती है निर्भय, वीरता उसकी देखी तो हृदय ने की जय जय। केशनी, जिसके ध्यान से तुम्हारा मन विचलित है वही अयोध्या नरेश सगर तुम्हारे योग्य है। तुम जैसी विद्वान और सुंदर तथा वीरांगना के लिए सगर जैसा न्यायी, प्रतापी, सत्य का उपासक, पराक्रमी पति ही योग्य है। पुत्री, तुम दोनों के मिलन से ही सृष्टि का विकास और कल्याण होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। नारायण नारायण नारायण, देवाधिदेव महादेव। वैसे तो योद्धाओं को अपने युद्ध कभी नहीं भूलते, किंतु अयोध्या नरेश और केशनी के बीच का युद्ध सारे विश्व को स्मरण रहेगा। वो क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, इस युद्ध में प्रेम की नींव जो पड़ी है मैया, उस प्रेम की जो एक दिन पवित्र गंगा जल बनकर सारी धरती को पाप मुक्त करने वाला है। सगर, आज तुम्हारा मन पूजा में नहीं है, बार बार ध्यान लगाते हो, बार बार ध्यान टूटता है, और मेरे स्थान पर तुम्हें एक राजकुमारी के दर्शन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं वत्स, तुम्हारी बंद पलकों में जो मूर्ति है वो राजकुमारी केशनी की है। मैं क्षमा याचना करता हूं देव, मेरा अपने मन पर काबू नहीं रह रहा, मैं लज्जित हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं वत्स, तुम कुछ नहीं कर रहे, विधि का विधान तुमसे यह सब करवा रहा है। केशनी और तुम्हारा विवाह निश्चित है, अतः जितना शीघ्र हो सके अपने विवाह का प्रस्ताव धवलपुरी भेज दो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण मस्तु। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ये सब क्या है? धवलपुर नरेश,
अयोध्या नरेश ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायक संदेश देकर आपके पास भेजा है। आनंददायक संदेश है तो शीघ्र कहिए और हमारी सभा को आनंदित होने दीजिए। महारानी, आपकी सुपुत्री युवरागी केशनी के लिए अयोध्या नरेश ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। त्रिलोकीनाथ की यही लीला है कि केशनी और सगर का विवाह हो और क्या, इस मृत्युलोक में गंगा का अवतरण हो। क्या तुम नहीं चाहते कि इस मृत्युलोक में गंगा अवतरण हो? बात तो यह है ऋषि प्रवल कि मृत्युलोक में ही गंगा की परम आवश्यकता है। फिर तर्क की दीवार मत खड़ी करो, उस पर चढ़कर भविष्य मत देखो। ऋषियों के वचनों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व। अनन्द्रिक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासम्। धवलपुर की वीर युवरागी अब अयोध्या की महारानी है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस समय हम जो देख रहे हैं उसकी आशा हमें कभी नहीं थी और इसके लिए अयोध्या की महारानी को हम सावधान करना आवश्यक समझते हैं। हमारे वंश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं कि बुरे से बुरे समय में किसी महारानी ने अपने पति के कंधे से कंधा ना मिलाया। आज तक कभी ऐसा नहीं कि महारानी ने महाराज के किसी भी निर्णय से असहमति जताई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति के साथ प्रेम युद्ध करते समय किसी महारानी ने अपने महाराज को पीठ दिखाई हो। और फिर हमारी महारानी तो एक महान योद्धा है, वो हमें पीठ क्यों दिखा रही है?
नारायण नारायण नारायण। गंगा मैया कुछ चिंतित हैं और उदास भी। देवऋषि, सगर और केशनी को देखकर मन उदास है। मैं जानती हूँ उनके साथ क्या होने वाला है, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं जो मैं अनहोनी को टाल सकूं। नारायण नारायण, मंगलमय गंगा मैया जानती हैं कि अमंगल घटने वाला है, फिर भी उस अमंगल को रोकने में असमर्थ हैं। नारायण नारायण नारायण। मैया, जब आप असमर्थ हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? विधि का लिखा तो होकर ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, आप नारी का हृदय नहीं जानते। नारी की वेदना एक नारी ही जानती है। मुझे केशनी की दशा पर दया आ रही है, देखो कितनी खुश है। महारानी, इस जंगल में सिंह नहीं है। ये कैसे संभव है महाराज? जैसे प्रजा को राजा चाहिए, वैसे ही वन पशुओं को अपना राजा चाहिए। प्रजा का राजा प्रजा की रक्षा करता है महारानी, जबकि जंगल का राजा रक्षक नहीं स्वयं भक्षक है। महाराज, मिल गया वो रहा मृग। कब तक पीछा करेंगे महारानी, शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, अयोध्या राग की, अपने चाव और खेल के लिए तुमने एक जीव की हत्या की है। एक माँ से उसके बच्चे को छीना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। मैया, हमने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि हमसे इतनी बड़ी भूल होगी, जिसके लिए हम शाप के अधिकारी हो जाएंगे। निराश ना हो वत्स, भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। परमात्मा पर श्रद्धा रखो, ये मत भूलो जो कुछ भी होता है उनकी ही इच्छा से होता है। कौन जाने महाप्रभु इस श्राप के माध्यम से क्या करने का सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं उसमें हमारा अहित ही अहित है मैया। ऐसा क्यों सोच रहे हो वत्स? महाप्रभु सृष्टि का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि तुम दोनों सृष्टि में अंतर्भूत हो। और ये मत भूलो, जो सृष्टि के हित में अपना योगदान देते हैं वो कभी आपत्ति नहीं करते। क्या तुमने सूर्यदेव को कभी आपत्ति करते सुना है? क्या जलता हुआ दिया कभी आपत्ति करता है कि उसका तेल समाप्त होने को आया है, वो बुझ जाएगा? ऋषि महर्षि तप करते हैं, उससे तपोबल अर्जित करते हैं, अपने तपोबल से प्राप्त ऊर्जा को दूर दूर फैलाते हुए सृष्टि पर पवित्रता का वातावरण निर्माण करते हैं। क्या उन्होंने कभी कहा है कि उनके तपोबल का फल दूसरे क्यों ले? पुत्री केशनी, विधाता तुम दोनों के माध्यम से ही सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो जाओ। निराशा त्याग दो वत्स, शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि सुख तुम्हारे द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। हे
अयोध्या नरेश की जय हो। क्या बात है, इतनी प्रसन्नता किस लिए? मैं ही नहीं महाराज, सुनेंगे तो पूरे अयोध्या के साथ आप भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न होंगे। तब तो शीघ्र बताओ। महारानी को खट्टा खाने को जी कर रहा है। महारानी जी को खट्टा खाने का जी कर रहा है, इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? जाओ उन्हें जी भर कर खट्टा खिला। नारायण नारायण नारायण, आपकी लीला सचमुच अगाध है प्रभु। शाप भी दिलवाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नारायण नारायण, पहले पुत्र सुख से वंचित होने का शाप और अब पुत्र सुख का संकेत। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, जीवन जिस रथ पर आरूढ़ है उसके दो पहियों का नाम सुख और दुख है। ये दोनों पहिए जीवन के साथ साथ ही चलते हैं, कभी दुख तो कभी सुख, यही मानव का जीवन है। नारायण नारायण नारायण। महारानी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। तो क्या दिन प्रतिदिन के राजसी भोग से आपका मन उब गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। तो फिर अचानक आपके स्वाद ने विद्रोह करना क्यों शुरू कर दिया महारानी? हमसे कोई भूल हो गई महारानी? आपने मुझे अपने होने वाले बच्चे की माँ कहलाने के उपाधि से सुशोभित किया है। सच? सच। गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।